इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को स्वीडन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ समिट के बाद भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने स्वीडन में कहा कि एक ही देश के हम लोगों की भाषा या परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, लेकिन हम सबको भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले भारतीय की जमकर तारीफ की। अपनी इनोवेटिव स्किल से, प्रोफेशनल एटीट्यूड से, कल्चरल इंटीग्रेशन की भावना से और इंडियन वैल्यूज के माध्यम से आपने सबने यहां एक अलग पहचान बनाई है। भारत के बाहर रहते हुए भी आपने जिस प्रकार भारतीयता को, भारत की आत्मा को अपने भीतर संजोकर रखा है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वो सरकार की उपलब्धियां जरूर गिनाते हैं। यहां भी मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देश परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो भारत की साख के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के साथ भारत के सहयोग पर भी जोर दिया और कहा कि विश्व के सभी देश आज हम एक विश्वसनीय साथी के तौर पर देख रहे हैं। नेपाल में भूकंप हो या श्रीलंका में बाढ़ का जल संकट आता है तो मानवता आज भारत की ओर देखती है। यमन में युद्ध के बीच से हमने न सिर्फ 4000 से अधिक भारतीयों को बल्कि लगभग 2000 विदेशियों को भी यमन की इस युद्ध की ज्वालाओं के बीच से निकालकर सलामत रूप से उनके घर पहुंचाया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी आने से टैक्स व्यवस्था बेहतर हुई है और देश के टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही भारत में व्यापार करना आसान हो गया है। भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है। 42 रैंक्स की छलांग लगाकर भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप 100 में आया है। देश की इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में किए गए ऐतिहासिक रिफॉर्म जीएसटी को उद्योग जगत अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है। देश के टैक्स बेस में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है और बिजनेसमैन जो पहले तरह तरह के चेक नाकों से परेशान रहते थे अब टेंशन फ्री हो गए हैं। स्वीडन में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके हर बयान पर तालियां बजती रही और प्रधानमंत्री भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।